और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अब चलिए मेरे साथ में ब्रेकफास्ट कीजिए। मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी मुझे निकलना है कैंटीन के लिए, थोड़ा कुछ मुझे सामान लाना है घर का। तो मैंने खाना वाना कम्प्लीट बना लिया है, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। चाय मैंने पी लिया दो बार। तो आज मैं आपसे कैंटीन का शेयर नहीं करूँगी, कुछ और मैं शेयर करूँगी। तो चलिए आज मैं अभी से ब्लॉग शुरू करती हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, बजने में 5 मिनट बाकी है, तो मैं अभी शुरू कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, और जितने मेरे व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे चैनल को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मीठे मीठे बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर निकलती हूँ, फिर बाद में मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं मेरा लाइफ पर कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊँगी, और क्या क्या दिखाऊँगी आप मेरे वीडियो में बने रहिए, और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए तैयार हो जाती हूँ। तो चलिए निकलती हूँ मैं, टाइम भी हो गया मेरा। गाड़ी अभी तक आई नहीं रहा है, गाड़ी आने के बाद चढ़ जाऊंगी अभी। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैंने गवर्नमेंट में, अंडर गवर्नमेंट में मैंने कोर्स किया था मल्टी कुजिन का, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फ़ोटो देख लीजिए आप लोग। बहुत पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। मैंने कोर्स किया है 1 साल 3 महीने ऐसे कुछ हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा हमने सीखा है। मैं और मेरी बेटी ने कोर्स किया है, डिप्लोमा जो IHM में है। तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और हस्बैंड मेरे देखिए जो ड्रम स्टिक्स के फूल है वो लेके आए हैं, जो बंगाली में सोजने फूल बोलता है और जो हिंदी में सजना फूल बोलता है, तो वही लेके आए। तो इसका पकौड़ा बनानी है। और ये मेरे तो पेड़ के सेम फली है, और ये छोटे छोटे देखिए आलू, बिल्कुल मूंगफली की तरह होती है ये आलू। तो ये आलू का साथ में सेम फली को भी फ्राई करूँगी। लेकिन आज आपसे सिर्फ मैं पकौड़ी जो है ये मैं शेयर करूँगी। ये खाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ड्रम स्टिक्स के पत्ते काम आते हैं, तो मतलब बहुत ही गुणी चीज़ है। तो ये फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सबसे बस मैं पकौड़े के शेयर करती हूँ कैसे बनानी है, आपको क्या क्या डालना है। तो मैंने फूल को अच्छे से चुन लिया है, उसके बाद मैंने फ्रेश वाटर से 2 बार मैंने धो के रखा है। अब मैं प्याज काट रही हूँ, और लहसुन भी काटूँगी, और हरी मिर्च भी। आपको थोड़ा टीवी का साउंड दे रहा है, क्योंकि टीवी भी साथ में देख रही हूँ और आपसे शेयर भी कर रही हूँ, सबका मैं एक साथ में हो रहा है, थोड़ा एंजॉय भी बनता है। तो कैंटीन से मैं आ गई थी, आके फिर मैंने आप सबके लिए, मैं सोची पकौड़ा छान लेती हूँ। अभी थोड़ी बहुत पकौड़े आप छान के आपको दिखा दूँगी, बाद में कि जब हम लोग खाना खाएँगे तब हम लोग गर्मा गर्म फ्राई करेंगे। तो फूल के अंदर में अभी मैं जो हरी मिर्च जो काट के रखी वो डाली, लहसुन भी कल ये जो मैंने चॉप करके रखी वो भी डाल रही हूँ। जो प्याज स्लाइस करके कट के रखी हूँ 4-5 वो मैं डाल रही हूँ।
ऊपर से हल्दी पाउडर दे रही हूँ, मिर्ची पाउडर, हर चीज़ में एक चम्मच डाल रही हूँ, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, और थोड़ा सा कलौंजी डाल रही हूँ हाफ चम्मच, और कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं। इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालूंगी, थोड़ा सा मैदा भी ऐड करूंगी, और थोड़ा सा चावल का पाउडर भी ऐड करूंगी। तो पहले मैं कॉर्नफ्लोर डाल के उसके बाद में थोड़ा सा हाथ से मसल लूंगी फूल को, थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा, उसके बाद में चावल का आटा और मैदा डालूंगी। आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आज बिना बेसन का मैं बना रही हूँ। अच्छे से हिलाना है, सब फूल में लगना चाहिए, और ऐसे भी जैसे नमक पड़ते हैं तो फूल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जितनी दिख रही इतनी क्वांटिटी में नहीं रहेगी, बहुत कम हो जाएगी। फूल अपना पानी छोड़ेंगे, इसलिए पहले मैं हाथ से मसल लूँगी, ताकि फूल का जो पानी है उससे जितना हो जाएगा मॉइस्ट, और उसके बाद में थोड़ा सा जो पानी लगेगा वो मैं ऐड करूँगी। ये पकौड़ी बहुत ही अच्छी होती है, खाने में बहुत ही लाजवाब होती है दोस्तों, आप सब बना के ज़रूर खाएं, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और आप सबको अगर मेरा ये रेसिपी और जो मैंने फ़ोटोज़ दिखाए हैं अगर आपको पसंद आता तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, बहुत ही अच्छे लगेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं है वीडियो छोटी सी है, तो आप प्लीज़ पूरा देखिए और उसके बाद में कमेंट्स कीजिएगा। तब मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल रही हूँ, थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए उसके ऊपर फिर मैं डालूँगी। आप एक बार में ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो गीली एकदम गीली गीली हो जाएगी, ऐसे हमें नहीं चाहिए। थोड़ा कड़ारे बनाने के लिए हमको जितना चाहिए उतना ही देना होगा। तो अब मैं चावल का पाउडर में डाल रही हूँ, इसको डाल रही हूँ इसलिए कि थोड़ा सा कुरकुरे बने, तो दो चम्मच ऐसे डाल रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा मसल लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं मैदा डालूँगी। आप एक साथ में भी सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करके मैं दिखा रही हूँ। तो आप थोड़ा सा मैं ये भी दो तीन चम्मच का करीब मैं मैदा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर दिया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब अच्छे से मैं मसल लेती हूँ एकदम। देखिएगा मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टैंडिंग टाइम दे दूँगी, तो और सॉफ्ट हो जाएगी बैटर जो है। तो देखिए इतनी थोड़ी सी हो गई है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और खाने में भी लाजवाब होगी एकदम, बहुत ही मज़ा आएगा खाने के लिए, गर्मा गर्म एकदम पकौड़ी। आज मैं दोपहर को यही खाने वाली हूँ, मैं आलू का चोखा बनाऊँगी, दाल बना दिया है, आलू का चोखा बना दिया, अब गर्मा गर्म पकौड़ी छानूंगी और गर्मा गर्म ऑमलेट होगा, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। आप सभी बना के ज़रूर खाइएगा, अच्छे लगे तो कमेंट्स करना। तो ऐसे करके मैं शेप दिखा दे रही हूँ, ऐसे करके मैं बनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी, अभी मैं थोड़ी देर में इसको मैं ढक के रख दूँगी, जब हस्बैंड आएंगे तो खाना बनाने के लिए मैं फटाफट बना दूँगी उनको दो चार, तो वही आपको शेयर करूँगी। बाद में तो हम लोग जब खाएँगे तब हम लोग बनाएँगे। तो दोस्तों हस्बैंड आ चुके हैं और मैं पकौड़ी छानना शुरू कर दिया है। तो तेल को पहले गर्म करके मैंने थोड़ा सा गैस को थोड़ा सा कम कर दिया है, अब मैं डाल रही हूँ। अब डायरेक्ट अगर फुल आँच में डालेंगे तो पकौड़ी ऊपर से जल जाएंगी, अंदर में कच्ची रहेंगी, तो मीडियम लो आँच में बनानी है। ऐसे छोटा छोटा बॉल जैसा बना के फिर आप उंगली से थोड़ा चपटा करके डाल दीजिए। आप गोल शेप बना सकते हैं, लंबा शेप बना सकते हैं, आपका मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे आकार दे पकौड़ी का। तो मैं तो नॉर्मल जो मैं हमेशा बनाती हूँ बस ऐसे मैं बना रही हूँ।
तो हमारी पकौड़ी एकदम तैयार है। तो मैं अभी गर्मा गर्म आपके लिए प्लेटिंग कर देती हूँ। तो देखिए आ रहे हैं ना मुंह में पानी, मज़ेदार पकौड़ी। आप आजकल अभी फूल निकल रहे हैं ड्रमस्टिक्स के फूल, तो प्लीज़ दोस्तों आप सबको अगर ये फूल मिले दिखे और पेड़ पे हो तो तोड़ के आप गर्मा गर्म बना के खाए, मज़ा आ जाएगा लाजवाब है। मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। अभी वापस भी आ गई हूँ तो आज मैं अभी वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि अभी बज रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, अभी 1:30 बजने के हो रहे हैं, तो मुझे और भी काम है, हस्बैंड को खाना भी देना है। तो मैं बनाऊंगी अभी पकौड़ा बनाऊंगी कुछ, और सब्जी वगैरह सब कुछ बन गया, फिश वगैरह बन गया है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना बताइएगा, और अच्छा लगे मेरा वीडियो को तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मैं आज वीडियो को बस यहीं पर एंड करती हूँ, अच्छा करते हैं, आप सब अच्छे से रहेंगे, बाय।